वहीं उत्तराखंड में जंगलों की आग से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन अग्नि को कंट्रोल करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी आग को कंट्रोल करने में लगातार जुटा हुआ है। तमाम चीजें बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कल की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जंगलों की आग अभी भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वन अग्नि मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने प्रमुख वन संरक्षण डॉक्टर धनंजय मोहन से बातचीत की है। आपकी बातचीत सुनिए। उत्तराखंड के जंगल में आग लगी हुई है, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं, वन विभाग के तमाम कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। इस मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनंजय मोहन, जो कि प्रमुख वन संरक्षक हैं। सर, आखिर वजह क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं, आम आदमी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की मुख्य वजह तो इस साल का जो मौसम रहा वो आग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गया था वनाग्नि के लिए, क्योंकि एक तो हमारा विंटर का जो ड्राई स्पेल रहा, विंटर रेन्स बहुत ही डेफिशिएंट रहीं, बहुत ही कमज़ोर रहीं, और उसके बाद जो मार्च अप्रैल में जो बारिश होती हैं वो तो लगभग हुई ही नहीं। अप्रैल का आंकड़ा बताता है कि उत्तराखंड में मात्र 10% बारिश हुई पिछले साल के मुकाबले। तो इस कारण से क्या था कि नमी बहुत कम हो गई और अप्रैल के महीने की गर्मी में बिल्कुल हमारा जो लीफ लिटर है, जमीन पे जो सूखे पत्ते पत्तियां वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो गए और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हो गए। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि जिसमें छोटी सी चिंगारी से भी बड़ी आग लग जाए, तो इस कारण से आग की विभीषिका बहुत बड़ी और कंडीशंस आग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। और इंसानों द्वारा जब भी कोई या तो गलती से या फिर जानबूझ के जरा भी आग लगाई गई तो वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की उसकी टेंडेंसी रही। जहाँ पे हम समय पे पहुँच गए हमने उसको कंट्रोल कर लिया, जहाँ नहीं पहुँच पाए, ज़्यादा देर लगी, वहाँ आग बड़ी हो गई, उसको बुझाने में बहुत समय लग गया, कई बार एक एक दिन लग गया है आगों को बुझाने के लिए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई इस बार। जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं वो जंगल की आग को समझते हैं, आखिर आग कैसे लगती है, आग को कैसे बुझाया जाता है, लेकिन जो जंगल से दूर रहते हैं वो बस ये देखते हैं कि आग लग गया, बुझा नहीं पा रहे हैं, विभाग के लोग बुझा नहीं पा रहे हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं आग लगने के, और किस तरह से आप लोग आग बुझाने का काम करते हैं? देखिए, आग तो ऐसी चीज़ है कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो किसी को नहीं छोड़ती, और शहरों में भी आग लगती है, लोगों की ज़िंदगी भी जाती हैं, और कई बार सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आग तो ऐसी चीज़ है, और हम बात कर रहे हैं विषम पहाड़ों की, ऐसे पहाड़ों की जो जहाँ पे रास्ते पे चलने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ चढ़ना कितना मुश्किल होता है, चलना कितना मुश्किल होता है, उसका अंदाज़ा इंसान को तभी लग सकता है जब वो ऐसी जगहों पर जाए और खुद प्रयास करे। तो हाँ, तो कारण अभी मैंने बताया कि जो कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और लीफ लेटर, जैसे लास्ट ईयर आग नहीं लगी थी तो लास्ट ईयर की का भी लीफ लेटर इस बार जमा था। पहाड़ों में क्या है, आमतौर पर ठंड रहती है, कुछ ही महीने गर्मी के होते हैं, तो वहाँ जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी स्लो होता है। तो लीफ लेटर ऐसा नहीं है कि एक साल में ही सब मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, उसको कई कई साल लग जाते हैं, तो जमा होता रहता है। तो जब ज़्यादा जमा हो जाता है और फिर एक साल ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि बहुत ड्राई वेदर हो जाता है, तब उस बार वो एक विस्फोटक सी स्थिति हो जाती है। तो इस साल कुछ वैसा ही हो गया और इस कारण से आग काफ़ी ज़्यादा हो गई। मान के चलें कि जल्दी ही हम आग पे कंट्रोल कर लेंगे वन विभाग के द्वारा, कितने दिन हम मान के चलें, और आगे की कोई बड़ी योजना? मैं एग्जैक्ट दिन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद यही है कि 3-4 दिन में हम लोग नियंत्रित कर लेंगे सब कुछ। जी, ये हमारे साथ डॉक्टर धनंजय मोहन जी, जो कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और कंट्रोल कर लेंगे वन अग्नि पर। अपने कैमरा से भी आशुक साहब, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडियन न्यूज़, देहरादून।